तो यहाँ से होता है माना गांव स्टार्ट। तो दोस्तों अभी हम पहुँच गए हैं चाइना बॉर्डर के पास में बना एक गांव माना गांव। तो ये है भारत का प्रथम गांव माना। तो कुछ टाइम पहले यहाँ पर लिखा हुआ था भारत का आखिरी गांव, लेकिन अभी इस बोर्ड को चेंज कर दिया है। तो हम अपनी बाइक के साथ पहुँच गए हैं माना गाँव में, जो भारत का आखिरी गाँव है। इसके आगे बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है, तो इसके आगे आर्मी जाने की परमिशन नहीं देती, तो यहाँ तक हम आ सकते हैं। और वो सामने देख रहे हो वो पूरा माना गांव है। तो भाई माना गांव में एंट्री कर रहे हैं अभी, और ये सामने आप देख रहे हो माना गांव है, क्रॉस करेंगे अभी। तो यहाँ से होता है माना गांव स्टार्ट। अब बाकी चलते हैं। तो अभी आ गए भाई आई लव माना पॉइंट पर। ये है आई लव माना पॉइंट, और माना पॉइंट के आसपास का जो व्यू है बहुत ही शानदार है। ये देखिए नीचे से नदी जा रहा है। तो भाई अभी ऊपर है गणेश गुफा और व्यास गुफा है, तो अभी ऊपर चलते हैं उस साइड में। तो भाई हम पहुंच गए भारत की आखिरी चाय की दुकान पर। ये है भारत की आखिरी चाय की दुकान। तो देखिए ये भारत की चाय की आखिरी दुकान है। अब इसका नाम बदल कर भारत की प्रथम चाय की दुकान कर दिया है। तो देखो तो भाई अभी वेद व्यास गुफा के अंदर जा रहे हैं। ये यहाँ पर केव है माना के अंदर। तो भाई ये वाली केव है ना, ये 1530 ईयर पुरानी है, 1530 और अभी 1531 साल पुरानी है ये गुफा। अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं था। और यहीं पर आप भारत की आखिरी चाय की दुकान भी देख सकते हो। ये देखिए ये भारत की आखिरी चाय की दुकान है। कैमरा अच्छा ये कैमरा है। तो भाई आगे की तैयारी कर ली, अभी भीमकुंड होते हुए वसुधरा की ओर जाएंगे। तो जो यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर बता रहे हैं, तो 2-2.5 घंटा लगेगा जाने में। और रास्ता आप देख सकते हो कितना प्यारा व्यू है। नीचे भी एक दुकान है जो हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान बता रखी है, हिंदुस्तान की प्रथम दुकान। तो अभी सरस्वती नदी के पास आ गए, सरस्वती माता की मूर्ति है। ये वाला झरना है और सरस्वती नदी है, और ये काफ़ी पहले ही बंद हो जाती है दिखनी, उसके बाद ये सारा पानी जो पत्थरों के नीचे से आता है और यहाँ का दोबारा दिखता है। ये देखो भाई एक दुकान और आ गई, हिंदुस्तान की प्रथम दुकान दिखा रखा है, वहाँ भी एक हिंदुस्तान की प्रथम दुकान है। तो आजकल काफ़ी सारी दुकानें बना रखी है जो प्रथम दुकान के नाम से जानी जाती है। ये देखो तो भाई ये है भीमशिला। भीमशिला का महत्व ये है कि जब पांडवों को आगे बढ़ना था और नदी के बीच में कोई पुल नहीं था, तो ये पत्थर उठाकर भीम ने इस नदी के बीच में रखा था और इसी से क्रॉस होके पांडव आगे गए थे। तो द्रौपदी मंदिर है भाई। तो भाई अभी मैं हिंदुस्तान की सबसे पुरानी व पहली दुकान, ये वाला जो मंदिर बन रहा है ना, ये सरस्वती माता का है और ये सरस्वती नदी है। इन पहाड़ों के बीच से निकलती है सरस्वती नदी, वहां पर जाकर गायब हो जाती है और पत्थरों के नीचे से ये पानी आता है सरस्वती नदी का। ये वहां से पानी आ रहा है नदी का।
ಅಪ್ರೋಚ್ ಈ ಕಡೆ ಬಸ್ ಹೇಳಿ ಬರೋದು ನಮ್ಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ वापिस चारों तरफ घूमकर माणा गांव पहुंच गए दोबारा। पुराना महाभारत का लेखन स्थल है श्री गणेश गुफा, ये देखो तो अभी गुफा के ऊपर चलते हैं। तो ये भाई गणेश गुफा फोटोग्राफी नो इनसाइड द टेंपल, लो नहीं है फोटोग्राफी तो बाहर से ही इसके दर्शन करवा सकता हूँ मैं। देखिए घर देखो भाई कितने प्यारे बने हैं, बहुत ही नहीं आंटी जी आपको नहीं, घर बहुत ही प्यारे प्यारे घर बने हैं इस बीच, ये देखिए। और सर्दियों में ये जगह बिल्कुल खाली हो जाती है, 6 महीने के लिए यहाँ के जो लोग हैं ना वो आगे चले जाते हैं। ये देखो बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे घर बने हैं। तो दोस्तों सरस्वती नदी के ऊपर से गुजर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि फेस दिख रहा है कि ऊपर देखो पहाड़ियों नदी भी चिल्लक रही है। देखो अभी IGVP कैंप निभा रहे हैं, वहाँ से बाइक लेकर बद्रीनाथ जी जाएंगे और टेंट लगाएंगे सो जाएंगे और आज कुकिंग भी करने वाले हैं।